प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा सेंसिटिव समय होता है, तो अगर आप ऐसे में इमली प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों गर्भवती महिलाओं को कुछ अलग अलग चीजें खाने की क्रेविंग शुरुआती दौर में रहती है। हालांकि दोस्तों प्रेगनेंसी का जो शुरुआती दौर होता है, इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कई बार खाने का मन करता है, कई बार नहीं भी खाने का मन करता है। लेकिन जैसे ही दूसरा तिमाही आ जाता है, गर्भवती महिलाओं की ये जो क्रेविंग होती है कुछ खट्टी चीजें खाने की क्रेविंग महिलाओं में अधिक बढ़ने लग जाती है। ऐसे में महिलाओं को नींबू अचार और साथ ही इमली खाने का भी कई बार मन कर जाता है। इमली की क्रेविंग अगर आपको है और अगर आप इमली खाना चाहती हैं, लेकिन क्या इमली गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित होगी या नहीं? क्योंकि दोस्तों कई लोगों का कहना है कि इमली जो है गर्भावस्था के दौरान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होती है। लेकिन विशेषज्ञों की माना जाए तो मॉडरेट मात्रा में अगर आप इमली का सेवन करेंगे तो ये आपके गर्भावस्था में आपको फायदा ही पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जैसे कि हार्मोनल बदलाव की वजह से इस दौरान आपको क्रेविंग में इमली खाने का मन कर सकता है, तो आइए जानते हैं कि ये सुरक्षित है। अगर सुरक्षित है तो इससे आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे और कितनी मात्रा में खाना है ताकि आपको इसके होने वाले जो नुकसान है वो ना हो, तो जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में इस नई वीडियो के साथ। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस क्वेरीज होंगे तो वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे के भीतर आप मुझसे सवाल जवाब कर सकती हैं, और अगर आप फास्ट रिप्लाई चाहती हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकती हैं, जिसका आईडी जस्ट वीडियो के आगे आपको फ्लैश हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बता दो दोस्तों कि प्रेगनेंसी के दौरान आप इमली खा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि मॉडरेट मात्रा में, यानी कि बिल्कुल आपको लिमिट में ये खाना चाहिए। बहुत अधिक खाएंगे तो आपको बहुत सारे नुकसान होंगे जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इमली में दोस्तों विटामिन ए और विटामिन सी होता है, इसके अलावा कैल्शियम होता है, प्रोटीन इससे आपको मिलेगा, फाइबर मिलेगा और इसमें हेल्दी शुगर भी पाया जाता है। वैसे अगर आप इमली का सेवन करना चाहती हैं तो एक बार जब भी आप अपने डॉक्टर विजिट पे जा रही हो तो डॉक्टर से इमली के संबंध में बात जरूर करिए। देखिए दोस्तों हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी कर रही होती हैं, तो उन्हें किसी भी तरीके की समस्या इस दौरान नहीं होती है, चाहे वो इस दौरान मिट्टी ही क्यों ना खा लें, क्योंकि दोस्तों कई महिलाओं को इस दौरान मिट्टी खाने की क्रेविंग भी रहती है। लेकिन दोस्तों जैसे कि प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव समय होता है, तो अगर आप ऐसे में इमली ज़्यादा खा लेती हैं या फिर आपको डॉक्टर बिल्कुल भी इमली खाने को सजेस्ट नहीं करते हैं तो आपको इस दौरान इमली का सेवन नहीं करना होता है। तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें, उनसे बात कर लें कि क्या आप वो इमली खा सकते हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि आप मॉडरेट मात्रा में इसे खा सकते हैं, लेकिन अंतिम दौर में यानी कि प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही में आपको इमली खाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। तो आइए जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या क्या आपको मिलेंगे। देखिए दोस्तों इमली में सूजन रोधी गुण होते हैं, यानी कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में या फिर एड़ियों में सूजन आ जाती है तो ऐसे में इमली हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको पेट फूलने की समस्या होती है या फिर आपकी मसल्स पेन रहती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, तो इन्हें कम करने के लिए इमली हेल्पफुल होती है। इमली में दोस्तों पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज से आपको बचाने में काफी ज्यादा सक्षम होते हैं। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है तो आप इस दौरान इमली का सेवन लिमिट में कर सकती हैं। कुछ हद तक दोस्तों बीपी को कंट्रोल करने के लिए भी इमली फायदेमंद होती है। अगर आपको इस दौरान कब्ज की समस्या है तो आप मीठी इमली का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको दस्त हो जाते हैं तो दस्त में आपके लिए इमली काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में जब आपको मॉर्निंग सिकनेस, मितली या फिर उल्टी की समस्या रहती है तो ऐसे में इमली आपके लिए काफी ज्यादा कारगर होती है। ये इन सभी छोटी मोटी समस्याओं से आपको निजात दिलाने में फायदेमंद रहती है। इमली में दोस्तों नियासिन होता है, विटामिन B3 और B4 पाया जाता है जो कि शिशु के विकास के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। शिशु की नसों के लिए, मस्तिष्क के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद इमली होती है, और इतना ही नहीं बच्चे के पाचन तंत्र को विकसित करने में भी काफी ज्यादा मददगार होती है। इतना ही नहीं, एक और बड़ा खतरा जो कि गर्भावस्था के दौरान होता है प्री मैच्योर का, इसका खतरा भी आपको कम से कम रहता है अगर आप इमली का सेवन करते हैं, क्योंकि इमली में आयरन होता है। ये जो है आपके शरीर में ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है जिससे कि आपको प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा कम होता है और आपकी जो डिलीवरी होती है वो समय पर होती है। तो ये तो बात हो गई इमली के पोषक तत्व और फायदों की। अब जान लेते हैं दोस्तों कि इसके नुकसान क्या होंगे। देखिए दोस्तों अगर आप बहुत अधिक इमली का सेवन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको मिसकैरेज का खतरा देगा, क्योंकि खट्टी चीज़ें जो होती हैं वो इस दौरान आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है प्रेगनेंसी के
पहले 3 महीनों में। दूसरी चीज, अगर आप ज्यादा इमली खाएंगी तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में नहीं रखता है, इसे असंतुलित कर देता है। ठीक ऐसे ही आपके बीपी की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, आपको हाई बीपी या फिर लो बीपी की समस्या इस दौरान रह सकती है। तो ये आपके बीपी को कंट्रोल तभी करेगा जब आप इसे मॉडरेट मात्रा में खाएंगे, सीमित में खाएंगे, कम मात्रा में खाएं तो ये आपके लिए फायदेमंद है। तो ये थी बातें दोस्तों इमली के संबंध में कि इमली खाना सुरक्षित है या नहीं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा जानकारी मिली होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे रेड कलर का बटन है उसे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे इस पेज में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।